जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एक तो करंट अफेयर टॉपिक डिस्कस करते हैं, जो कि रूस और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, जो कि अभी जो थर्ड वर्ल्ड वार के अंदेशा जताया जा रहा है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता हो कि इन लोग आपस में लड़ाई क्यों हो रही है और लड़ क्यों रहे हैं। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देखिए, आपको वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा होगा, इसकी स्थिति को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्यारा भारत है और भारत के ऊपर देखेंगे यहाँ पे चीन है, उसके ऊपर मंगोलिया है और उसके ऊपर जो बड़ी सी कंट्री दिख रही है इसको रूस कहा जाता है। इसकी पूर्वी सीमा की तरफ चलिए दोस्तों आप लोग, तो यहाँ पे जो पूर्वी सीमा लगती है, जो मॉस्को इसकी राजधानी भी है, और यहाँ पे आपको यूक्रेन दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो उसी मैप को मैंने यहाँ पे बोर्ड बना के रखा हुआ है, देख पाएंगे जो उसका रूस है, ये इसका पश्चिमी हिस्सा है रूस का, ये जो पूरा है, और ये उसकी राजधानी यहाँ पे मॉस्को दिख जाएगी, और जो इसका जो सीमा लगती है वो यूक्रेन के साथ लगती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो यूक्रेन के पूर्व में रशिया है और रशिया के पश्चिम में है यूक्रेन की सीमा लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी, आप भौगोलिक स्थिति समझ गए होंगे, ये जो रशिया है ये एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों में आता है, और ये जो यूक्रेन है ये यूरोप महाद्वीप का ही पूरा पार्ट है, हालांकि जिसकी राजधानी है वो यूरोप महाद्वीप में आती है रशिया की। इसके नीचे मैंने बताया आपको, नीचे मंगोलिया है, चीन है, नीचे भारत है, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया इसके नीचे में आते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे यूक्रेन के नीचे में ब्लैक सी है, काला सागर है, ठीक है। और ये जो काला सागर है ये यहाँ पे जो यूरोप का है पार्टीशन करता है एशिया के साथ में, नीचे में टर्की वगैरह की कंट्री है। अब मैं बात करता हूँ इस समय युद्ध क्यों छिड़ा हुआ है। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि 1991 के आसपास रशिया के काफ़ी ज़्यादा टुकड़े कर दिए गए थे, शीत वर्ल्ड वार चल रहा था रशिया और अमेरिका का, तो उस समय हम लोग इसको यूएसएसआर कहते हैं, यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। पहले इसी के द्वारा क्या था, 1971 में हम लोग की काफ़ी मदद की जाती थी, हेल्प की जाती थी, अभी भी रशिया हमारा बहुत ही अच्छा पार्टनर है इंडिया का। तो 1991 के आसपास क्या हुआ, कोल्ड वार में रशिया के बहुत सारे टुकड़े कर दिए गए और इसका जो जिम्मेदारी है वो अमेरिका को दी जाती है, तो उसी में से एक टुकड़ा था यूक्रेन का भी, और नीचे में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, बहुत सारी कंट्रीज थी जो 1991 में रशिया से टूट करके अलग हो गई है। अब विवाद की जड़ इस समय यहाँ पे ये आती है कि एक और संगठन का नाम सुनने में आ रहा होगा, नाटो, NATO, ठीक है, ये नाटो। नाटो की जो स्थापना है वो 1949 के आसपास हुई थी, और इसका बेल्जियम में क्या है, इसका राजधानी है, बेल्जियम में इसकी क्या है, राजधानी है। तो बेल्जियम नाटो का जो संगठन, अगर मैं बात करूँ तो एक सैन्य संगठन है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इसमें लगभग 30 कंट्री है, नाटो में कितनी कंट्री है, 30 कंट्री आसपास टोटल है इसमें, और मुख्य रूप से बात कहूँ तो इसमें अमेरिका शामिल रहता है, नाटो का मुख्य कौन है, अमेरिका है, और इनकी आपस में एक ऐसी ट्रिटी है नाटो की कि अगर मैं कहूँ शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करूँ कि नाटो के जो 30 सदस्य देश हैं उनके बीच में सैन्य समझौता है, अगर नाटो की किसी भी कंट्री के ऊपर कोई दूसरा देश या अन्य कंट्री आक्रमण करता है तो ऐसा माना जाता है कि सभी नाटो के ऊपर आक्रमण है, और या शॉर्ट में कहूँ कि अगर नाटो के ऊपर कोई आक्रमण करता है तो ऐसा मान लिया जाता है कि वो अमेरिका के ऊपर आक्रमण किया गया है, ठीक है। तो इस समय जो विवाद चल रहा था, यूक्रेन जो है वो नाटो की सदस्यता लेने के प्रयास में था, और यूक्रेन क्या है, नाटो का सदस्य बनने का प्रयास कर रहा था। अगर ये नाटो का सदस्य बन जाता, यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता, तो रशिया के लिए काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी, अगर बाद में फिर इसके ऊपर हमला होता या आक्रमण होता रशिया के द्वारा यूक्रेन पे, तो नाटो के ऊपर आक्रमण समझा जाता। तो रशिया ने क्या किया है, ये जो इसकी सीमा लगती है, यहाँ पे दो क्षेत्र हैं इंपॉर्टेंट है, इन क्षेत्रों का नाम है दोस्तों डोनेस्क और लुहांस्क, इस पूरे क्षेत्र को हम लोग डोनबास क्षेत्र के एरिया में कह सकते हैं। तो रशिया का जो स्टार्टिंग आक्रमण हुआ था, ये तो यूक्रेन को ऊपर से यहाँ पे थल सीमा में पूरा घेर लिया था और इन क्षेत्रों में आक्रमण किया गया था। ये एक प्रकार से अलगाववादी क्षेत्र है, जैसे हमारा POK वाला एरिया है, इंडिया का है एरिया, लेकिन पाकिस्तान कहाँ पे कब्जा है, तो इसने पहले यहाँ पे आक्रमण किया है और अपनी नेवी को ये जो काला सागर है, ब्लैक सी है, इस पे उतार दिया है, और यहाँ पर भी नेवी, रशिया की नेवी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों आप लोग और ध्यान दीजिएगा, यूक्रेन के नीचे में क्रीमिया का क्षेत्र लगता है, क्रीमिया के क्षेत्र को पहले ही रशिया ने 2014 में ही कैप्चर कर लिया था, ठीक है, कैप्चर कर लिया था। ये क्रीमिया जो देश है, काफ़ी जो ये जगह है, ये काफ़ी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो गैस पाइपलाइन है, काफ़ी ज़्यादा गैस पाइपलाइन है, और जो सप्लाई है पूरा यूरोपियन कंट्री को यहाँ पे जाता है। अब यूक्रेन की उत्तरी सीमा देखिए, बेलारूस से लगती है, इधर पोलैंड से लगती है, इधर रोमानिया है, मोल्डोवा है, तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ देश है, नीचे में ब्लैक सागर है। तो ये अभी रशिया जो है इन क्षेत्रों को लगभग हड़प चुका है, उसी कीव जो राजधानी है, आपको परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, पर जहाँ पे भी रशिया ने कब्जा करना स्टार्ट कर लिया, ऑलमोस्ट पे कब्जा कर लिया है, क्यों इसकी राजधानी है। अब अमेरिका ने जेलेंस्की के राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उनको ये ऑफर दिया था कि हम आपको यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं,
तो उन्होंने साफ साफ ठुकरा दिया है कि मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, अपने देश से यूक्रेन से मुझे लड़ने के लिए हथियार चाहिए, आपकी सलाह की और मशवरे की जरूरत नहीं है। तो काफ़ी जो यूरोपियन कंट्रीज है उसमें फ्रांस आता है, ब्रिटेन आता है, अमेरिका तो अलग कंट्री हो गया लेकिन अमेरिका भी है, तो यूएन में काफ़ी ज़्यादा इनके पास संशय लगा चुका है। रूस के ऊपर यूएन में एक प्रस्ताव भी आया था जिसमें इंडिया ने वोटिंग करने से मना कर दिया था, चाइना ने भी उस पर ऊपर वोटिंग नहीं करी है। तो ये विवाद जो लेकर के है कि नाटो की सदस्यता को लेकर है यूक्रेन को, तो नाटो आप लोग समझ गए होंगे एक सैन्य संगठन है, अमेरिका इसका लीडर मान सकते हैं, 1949 में बना हुआ था, रशिया के टुकड़े 1991 में हुए थे, ठीक है, और इस क्षेत्र को संपूर्ण रूप से कब्जा कर लेगा रूस और उसके राजधानी पे घुस चुका है। एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ पे एक यूक्रेन में एक चार्नोबिल जगह है, ठीक है, चार्नोबिल कौन सी जगह है, चार्नोबिल, ये चार्नोबिल है, यहाँ पे पहले एक बार क्या था परमाणु दुर्घटना हो चुकी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि चार्नोबिल जो है परमाणु दुर्घटना किस क्षेत्र में, तो ये यूक्रेन में ही चार्नोबिल है। और ये जो परमाणु संयंत्र है, चार्नोबिल क्या है, यूक्रेन का परमाणु संयंत्र है, इस पर भी रशिया की आर्मी ने अब कब्जा कर चुका है। तो यहाँ पे अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो परमाणु युद्ध भविष्य में जो थर्ड वर्ल्ड वार है वो परमाणु युद्ध भी यहाँ पे हो सकता है, लेकिन परमाणु युद्ध करने की अगर बाकी कोई देश इसमें इंटरफेयर नहीं करता है रशिया और यूक्रेन के बीच में, अमेरिका वगैरह, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे परमाणु वर्ल्ड वार होने वाला है, परमाणु से यहाँ पे वार होगा। एक रशिया के पास एक और बम है, फादर ऑफ ऑल बम बोलते हैं उसको, FATHER, फादर ऑफ ऑल बम, ऑल बम ये सबसे बड़ा बम है रशिया के पास, फादर ऑफ ऑल बम इसका नाम है। तो ये जो बम है ये अगर मैं बात करूं कि बिना एटॉमिक हथियार का ये सबसे बड़ा बम है, इसका भी उपयोग रशिया क्या है यूक्रेन के ऊपर कर सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। तो ये जो पूरा विवाद था हो सकता है इसको आप लोग समझ चुके होंगे, इसमें विवाद ऐसा है कि रशिया इसके ऊपर जबरदस्ती आक्रमण कर रहा है और रशिया का ऐसा मन से कि पुराना यूएसएसआर बनाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, रशिया जो है चाहता है कि पुराना यूएसएस बन जाए और अमेरिका वगैरह को ये सब चीज़ें पसंद नहीं, क्योंकि अमेरिका क्या है इसका कट्टर दुश्मन है, पहले से ही अमेरिका ने ही इसके टुकड़े करवाए थे रशिया के। तो ये सब चीज़ें थी और इसी चीज़ को आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है इसके ऊपर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।